स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम एक टेबल देखेंगे जो कि कॉलम का जो यील्ड कंडीशन है उसके बेस पे इफेक्टिव लेंथ और इनिशियल लेंथ में जो रिलेशन होता है उसकी वैल्यू इसमें रखते हैं तो आयलर लोड की वैल्यू क्या आती है। यील्ड कंडीशन के बेस पे चार तरह का कॉलम होता है। पहला है बोथ साइड हिंज और पिंड कॉलम। दोनों साइड हिंज मीन्स कब्जेदार कॉलम हो तो इस तरह का एक कॉलम जिसका इनिशियल लेंथ स्मॉल एल होगा। अब इस पे लोड लगेगा तो इस तरह से ये अपना झुकेगा धनुष की तरह। ये धनुष की तरह झुकेगा इस तरह से। इसमें जो कैपिटल एल होगा वो स्मॉल एल के बराबर होगा। कैपिटल एल मीन्स ये इफेक्टिव लेंथ कॉलम का, स्मॉल एल मीन्स उसका लेंथ, इनिशियल लेंथ। अब इसमें चूंकि आप जानते हैं कि आयलर फॉर्मूला क्या होता है आयलर लोड के लिए, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। अब यहां पे कैपिटल एल के जगह स्मॉल एल यहां से पुट कर देंगे तो आ जाएगा पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर। अब देखिए दूसरा है वन साइड फिक्स्ड अनदर साइड फ्री कॉलम। एक साइड में फिक्स हो इस तरह से, दूसरी साइड में क्या हो, फ्री हो। जब इस पे लोड लगेगा, देखिए यहाँ पे फिक्स है, इस पे लोड लग रहा है तो कॉलम इस तरह से बेंड हुआ, लेकिन जस्ट दूसरी साइड में फिर इसी तरह से बेंड होके और यहां से एन एन तक वो धनुष की आकृति बनाएगा। अभी मैं बता रहा हूं एन एन जो मैं लिखा हूं उसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कॉलम का इनिशियल जो लेंथ है वो एल था, लेकिन जो इसका इफेक्टिव लेंथ होगा वो L इक्वल टू 2L हो जाएगा, मींस इसका दुगुना हो जाएगा। जब हम रखेंगे L इक्वल टू 2L तो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4 स्मॉल L स्क्वायर। इसमें रख के आप जब देखेंगे L इक्वल टू 2L तो वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्मॉल L स्क्वायर। थर्ड है वन साइड फिक्स्ड अनदर हिंज कॉलम। एक साइड में वो फिक्स है, दूसरे साइड में कब्जेदार है, कुछ इस तरह से। एक साइड में फिक्स है, दूसरे साइड में कब्जेदार है। ये पी लोड हम लगा रहे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो धनुष की आकृति हो रही है यहाँ से ऐसे बन रही है और यहाँ थोड़ा आगे ये करीब हो जा रहा है। तो जो एल है कैपिटल एल वो हो जाएगा स्मॉल एल बाई रूट में 2, मतलब इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ बाई रूट में 2 होता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है पी आयलर लोड पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर, यहाँ कैपिटल एल की जगह पे रख देंगे स्मॉल एल बाय रूट में 2 तो आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो पी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर। चौथा और लास्ट है बोथ साइड फिक्स्ड कॉलम। ये इस तरह से कॉलम होगा दोनों साइड में बद्ध हो, इनिशियल लेंथ इसका स्मॉल एल है और जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा वो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई 2 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे आयलर फार्मूले में आयलर लोड के लिए और क्रिपिंग लोड के लिए पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन कैपिटल एल स्क्वायर है, कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल बाई 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई स्मॉल एल स्क्वायर। अब यहां से देख रहे होंगे आप लोग एन एन लिखा हुआ है, एन 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 का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी कॉलम पे लोड लगता है और जिस पॉइंट पे वो अपने बेंडिंग का डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब झुकाव की दिशा बदलता है, उस पॉइंट को हमने एन लिखा है। इसको एन मतलब होता है नति परिवर्तन बिंदु और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। या यूं समझे आप कि जिस पॉइंट पे वो धनुष बनना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या नति परिवर्तन बिंदु कॉलम के लिए। तो ये चार तरह का कॉलम का इंड कंडीशन के बेस पे जो हमारा इफेक्टिव लेंथ और इनिशियल लेंथ में जो रिलेशन हमने प्राप्त किया है उसको आयलर लोड वाले फार्मूले में पुट करके हम चारों कंडीशन के लिए अलग अलग आयलर लोड हमने निकाला हुआ है, ये 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 और ये। अगर आपको समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।